ये मैं आपका केवल मेंस में नहीं ये बता दिया जाए पहले और आज से शेड्यूल आपका चूंकि तिहार एटीओ का समाप्त हो गया तो आज से शेड्यूल आपका चेंज हो रहा है और आपका आज चूंकि 11 बजे से आपका टेस्ट भी है एटीओ का तो आज केवल दो सब्जेक्ट चलेंगे आपका ग्राम पंचायत और सिटी और कल से आपका 3 सब्जेक्ट चलेंगे और ग्राम पंचायत सीपीसी और जुलूस पूरे 3 सब्जेक्ट कल से लगेंगे। 8 टेस्ट है इसलिए भाई आपका पढ़ी 11 बजे तक छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोग मैंने आपका कह सकते हैं कि कल से 3 सब्जेक्ट चलेंगे और आप जो ये पढ़ाया जाएगा प्री मेंस इंटरव्यू ट्रेनियों के लिए और तत्काल लिखवा दिया जाएगा जो मैंने पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्रयास ये करें कि जो लोग यूपी ये देना चाहते हैं या ये देना चाहते हैं भाई पूरे मैंने अच्छे से इसको पढ़ें। आपका जो लेंथ भी थोड़ा कठिन है सीपीसी भी ग्राम पंचायत तो आसान है लेकिन जो स्टूडेंट्स और सीपीसी थोड़ा कठिन जरूर है। तो आइए शुरू किया जाए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में पहले दिन जो देखा जाता है ये सामान्य बातें देखी जाती हैं जो आपका संविधान में भी काम करती हैं और प्री में भी। पहला ये देखना है कि जो ये पंचायत शब्द है इसकी उत्पत्ति इधर आ गया जो ये पंचायत शब्द है इसकी उत्पत्ति देखी जाती है यानी कि एकदम शुरुआती तौर से आपका प्राचीन इतिहास को लेते हुए इस कानून को शुरू करना है और अंत में आपका कुछ समितियां पूछी जाती हैं कि ये समिति किससे संबंधित है ये जे में भी आता है संविधान में और आपका जीएस में भी आता है। देखिए सबसे पहले पंचायत शब्द को समझा जाता है। ये जो पंचायत शब्द है ये संस्कृत के पंचायतन से बना है और पंचायतन का मतलब होता है 5 व्यक्तियों का समूह। इसका मतलब कि प्राचीन काल में कह सकते हैं कि 5 व्यक्तियों के समूह को जो किसी विषय पर फैसला देते थे निर्णय देते थे उसी को पंचायत कहा जाता है। यानी कि आपका पंचायत का मतलब ये हुआ कि 5 व्यक्तियों का समूह जो किसी मामले में फैसला दे और आप लोग तमाम लोगों ने इस पर पत्रिकाएं भी लिखी हैं कि पंच परमेश्वर भी कहा जाता है और ये आशा की जाती थी कि जो भी पंच फैसला देगा वह उचित देगा यानी कि उस फैसले में बायस या पक्षपात नहीं करेगा। यानी कि कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों के समूह को ही क्या कहा जाता है पंचायत। जहाँ तक आपका प्राचीन काल की बात है अथर्व वेद में आपका 2 समितियाँ मिलती हैं एक सभा मिलती है और एक समिति मिलती है। ये माना जाता है कि पंचायत जो उत्पन्न हुआ इसी की देन है। ये माना जाता है सभा और समिति ये पंचायत जैसी ही थी इसको लिखवा देंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो जब भारत आज़ाद हो गया तो पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान जो आपका पहला क्वेश्चन कंपटीशन के लिए है कि पंचायतों के बारे में गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में रखा गया यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में आपका पंचायत इंग्लिश में ही पंचायत ही करते हैं भाई ये नहीं कि इंग्लिश में कुछ और नहीं करते पंचायत ही कहा जाता है।
पंचायत का प्रावधान किया गया। अब ये क्वेश्चन बना है कई बार कि पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया, तो आपका जवाब रहेगा संविधान के भाग चार में जो नीति निदेशक तत्व या DPS हैं उसके अनुच्छेद किस में, आपका 40 में यानी कि 40 में पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया। अब ये समझना है कि जो धारा अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है, ये जो प्रावधान है ये तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, चाहे राज्य पंचायतों का गठन करे या न करे उसके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि भाग चार जो संविधान का है उसको पालन करने के लिए राज्य बाध्य नहीं, ये याद रखिए। अब ये पूछा जाता है कि आखिर किस समिति की सिफारिश पर और आपका पंचायत को नीति निदेशक तत्व में रखा गया न कि मूल अधिकार में। अगर संविधान सभा चाहती तो फंडामेंटल राइट में हमारे कहीं ऐड कर सकते थे, लेकिन कहाँ ऐड की, आपका नीति निदेशक तत्व। तो ये समिति पूछी जाती है तो संस्थानम समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा अभी लिखवाएंगे, संस्थानम समिति की सिफारिश पर पंचायतों को कहाँ रखा गया, नीति निदेशक तत्व में मूल अधिकार में नहीं। अगर मूल अधिकार होता तो इसके लिए आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रखा कहाँ गया हमारा मैंने पंचायत के बारे में प्रावधान नीति निदेशक तत्व में। समिति याद रखे, कई बार पूछा है संस्थानम समिति की सिफारिश पर, इसको अब लिखवाएंगे। देखिए आपका सरकार का अब स्तर आइए, सरकार का दो स्तर होता है, एक आपका यूनियन लेवल पर यानी कि संघ लेवल पर, दूसरा आपका कह सकते हैं कि दूसरा जो स्तर होता है कि स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य स्तर पर। तो ये पंचायतों को कौन सा स्तर माना जाता है ये भी आपका पूछा गया है। तो ये पंचायतें जो हैं ये सरकार के तीसरे स्तर पर हैं, यानी कि इसका मतलब कि संघ स्तर पर संघ की सरकार, राज्य स्तर पर राज्य की सरकार, और गांवों में या ग्रामों में ये पंचायतें जो होती हैं इनकी सरकार मानी जाती हैं, यानी कि पंचायत थर्ड आपका या तृतीय स्तर की सरकार भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग प्रेस के बारे में मैंने पूछा जाता है कि सरकार का चौथा अंग प्रेस है, तो चौथा अंग माना जाता है, एक कार्यपालिका, दूसरी विधायिका, तीसरी न्यायपालिका, और सरकार का चौथा अंग प्रेस माना जाता है चौथा। उसी प्रकार सरकार का तीसरा स्तर ग्राम पंचायतों को माना जाता है। ग्राम पंचायतों के बारे में ये आया कि ग्राम पंचायतों को अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने दर्जा दिया जाए, संविधान में रखा जाए विस्तृत तौर पे। इसके लिए दो संविधान संशोधन भी पढ़ने पड़ेंगे, आपका 73 और 74, यानी कि दो संविधान संशोधन पढ़ने हैं। कौन कौन थोड़ा डिटेल में, 73 और कौन सा 74, आपका लिखिए भाई तब आगे बढ़ा जाए। शुरुआती दौर से एकदम लिखिए, तो लिखिए पंचायत शब्द की उत्पत्ति, पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द, एरो बनाकर लिखते रहेगा, ये केवल प्री में काम करेगा भाई। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है,
पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ होता है पांच व्यक्तियों का समूह, जिसका अर्थ होता है पांच व्यक्तियों का समूह। लिखिए, अथर्ववेद में पर्वचन करके लिखिएगा, अथर्ववेद में सभा तथा समिति का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति का उल्लेख मिलता है, जो पंचायत के समान थी, जो पंचायत के समान थी। सभा और समिति दो मिलती हैं, जो पंचायत के समान थी। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पंचायतों को सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, पंचायतों को सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है। पंचायतों को सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है।